Bharatiya Janata Party MLA OP Sharma was summoned by the Delhi police on Thursday. Before being summoned, he said that he respects the law and will cooperate with the police during the investigation. हम कानून का सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। उसके अनुसार जो मुझे सम्मन मिला है, मैं 11 बजे तिलक मार्ग थाने जाऊंगा और पुलिस की पूछताछ में पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन मेरे को कष्ट यह है कि जन प्रतिनिधि होने के बावजूद मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैं एक घंटे के लिए भी दिल्ली से बाहर नहीं गया। उसके बावजूद रात को 1 बजे मुझे उठाकर ये संबंध सर्व किया गया है और ये मेरी एमएलसी की रिपोर्ट है और इसके अनुसार उन्होंने जो देश विरोधी नारे लगाए, मना करने पर मारपीट की, मेरे सर में चोट लगी, नाक पे चोट लगी, कान पे चोट लगी, ये सारा इस एमएलसी में है। और उसके बावजूद अगर इस प्रकार का एक वातावरण जो बनाया जा रहा है, ये गलत है। आज इस देश में ये लाइन खींचनी पड़ेगी कि कौन लोग आतंकवादी, देशद्रोही, अफजल गुरु के पक्ष में हैं और कौन लोग उसके खिलाफ हैं। हमारे जो नेता हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे एक इम्पोर्टेड डिफेक्टिव पीस के रूप में राहुल गांधी हो, उनको लाइन जरूर खींचनी पड़ेगी। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं नारे गलत हैं और नारे लगाने वाले सही हैं। आरोपियों का काम आरोप लगाना है, वो क्या कहते हैं क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, मैं आरएमएल में गया, पुलिस थाने गया और उसके बाद रात को 1 बजे मुझे सम्मन किया गया है और 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं वहाँ जाऊँगा, जाँच में पूरा सहयोग मैं दूंगा और उसके बाद में इस देश का कानून आईपीसी जो भी करेगी, जो भी इसमें होगा उचित, वो लोग करेंगे। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। सवाल ये, जब किसी को चोट लगेगी, आप किसी को चोट मारोगे तो आदमी नॉर्मल तो नहीं रहता, ये तो नेचुरल सी बात है। करेस्पोंडेंट मोहित बख्शी फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर एएनआई।